सर so, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स सो इस वीडियो में हम ई एस नर्सिंग ऑफिसर्स के जो प्रीवियस ईयर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोज़ अच्छे तो लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए सो so, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम सीधे वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं so, सो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आप में से बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बट उससे ज़्यादा 95% परसेंट जो व्यूवर्स है वो सिर्फ वीडियोज़ को देख रहे बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन फ्री है बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है सो so, प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ uh, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना सो so, हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अभी सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन

पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग जैसे कि हमें सेचुरेशन लेवल पेशेंट का पता चल पाए उसके बाद इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग जिसमें ईसीजी जो होता है उसको ईसीजी सी जीड्स लीड्स प्लेस करके ईसीजी की जो वेरिएशन है वो मॉनिटर uh, पे देख पाए और उसके बाद प्रोवाइड इंट्रावेनस एक्सेस ताकि अगर इमरजेंसी में कोई ड्रग्स um, प्रोवाइड करने की ज़रूरत हो तो वो टाइम पर हम इंट्रावेनसली वो ड्रग्स इंसर्ट कर पाए सो नेक्स्ट इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्टेबलिशन ओपन एयरवे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्मोन दैट इंजेक्टेड टू प्रेग्नेंट वुमन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑप्शन ए वेसोप्रेसिन ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन ऑप्शन सी एट ऑप्शन डी इस्ट्रोजन सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑक्सीटोसिन सो so, ऑक्सीटोसिन हम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उमन को प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन uh, uh, जो होता है वो स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इन द लेबर टाइम एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी इट हेल्प्स इन पोस्टमार्टम हेमरेज जो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसकी वजह से uh, जो पासेंटा होता है वो uh, एक्सपेल करने में आसानी होती है और जो जो ब्लीडिंग होती है उसको मिनिमाइज करने में ऑक्सीटोसिन हेल्पफुल रहता है और जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं उसके लैक्टेशन में भी ऑक्सीटोसिन हेल्पफुल रहता है इसकी वजह से जो ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन हम ड्यूरिंग लेबर प्रेगनेंट वुमन को इंड्यूस करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज जो नर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है उसको ह्यूमिडिफाइड करना क्यों जरूरी होता है उसका uh, उसका यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए उसमें सा कौन सा करेक्ट है ऑक्सीजन इज अ हॉट एयर इट मे बर्न्स ट्रकिया ऑप्शन बी ऑक्सीजन इज इजीली एब्सॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन ऐड ये चायन ऑन इट ऑप्शन सी ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन द म्यूकस ऑप्शन डी ऑक्सीजन गेट क्लीन एंड पैथोजे पैथोजेनिस बाई ह्यूमिडिफिकेशन सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकनेस द म्यूकस जो होता है वो इसमें कहा गया है क्योंकि जब भी हम पेशेंट को कम अमाउंट में ऑक्सीजन ऑटो प्रोवाइड कर रहे हो जैसे कि टू लीटर्स फोर लीटर्स जब प्रोवाइड कर रहे हो वो टाइम पे हमें ह्यूमिडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बट फॉर द लॉन्ग पीरियड अगर हम उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं विथ फ्लो ऑफ सिक्स लीटर्स पर पर आवर या सॉरी सिक्स लीटर पर पर मिनट या सिक्स लीटर एट एट लीटर्स पर मिनट अगर ऐसे हाईवी uh, अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो टाइम पे हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना ज़रूरी है uh, ताकि वो थोड़ा ह्यूमिडिफाई होके uh, जो इंटरनल लाइनिंग्स है जो एयरवेज़ uh, की उसको डैमेज ड्राइनेस uh, होके वहाँ पर कोई uh, स्कार क्रिएट ना हो या इंटरनल सेल्स इंटरनल टिश्यूज है वो डैमेज ना हो पाए इसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिफाई करके ऑक्सीजन देना बहुत जरूरी होता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अवॉइड पुलिंग द यूरेटरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट्स विच साइड लोअर थाइज हाइट थाइज फिट और अपर थाइज सो इसका जो सही जवाब हो, होगा वो होगा ऑप्शन डी अपर थाइज़ सो नेक्स्ट क्वेश्चन नर्स टेकिंग केयर ऑफ द नर्स टेकिंग केयर ऑफ द प्रेगनेंट लेडी इज़ बींग आस अबाउट वेन टू स्टार्ट अ ब्रेस्ट फीडिंग वॉट शुड हर अप्रोप्रिएट रिप्लाई सो इसका जो ऑप्शन है वो वन आवर आफ्टर डिलीवरी बी सिक्स आवर आफ्टर डिलीवरी सी फोर आवर आफ्टर डिलीवरी डी एट आवर्स आफ्टर डिलीवरी सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा वन आर आफ्टर डिलीवरी बट वन आर से भी पहले एज सुन एज पॉसिबल मदर्स कंडीशन गेट रिकवर्स जब मदर ब्रेस्टफीड uh, कर पाए ऐसी कंडीशन में जितना जल्दी हो पाए उतनी जल्दी ब्रेस्टफीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए क्वेश्चन इज वैन हेल्पिंग अ स्ट्रोक पेशेंट न शुड असिस्ट फ्राम बैक साइड फ्राम वीकन साइड फ्राम बिहाइंड और फ्राम स्ट्रोंग साइड सो इसका जो सही जवाब होगा वो अगर हम बैक साइड से उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे तो इट मे चांसेज द पेशेंट फॉल इन फ्रंट साइड पेशेंट को हम जो पेशेंट की जो वीक साइड है वो साइड से हमें उसको सपोर्ट देना चाहिए सो स्ट्रांग साइड से भी नहीं और फ्राम बिहाइंड भी नहीं और फ्रॉम बैक भी नहीं उसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑन फ्राम वीक साइड सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ द रिकमेंडेड डेली इंटेक ऑफ कैल्शियम फ़ॉर अडल्ट एज ऑफ 19 टू फिफ्टीन ईयर्स जो कैल्शियम का डेली इंटेक जो होता है वो कितना होना चाहिए उन्नीस से पचास ईयर्स के बीच में जो इसका एज है उसका जो सही जवाब होगा वो होगा हंड्रेड एम जी पर डे द मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है उसमें कौन सा मिनरल मोस्ट रिक्वायर्ड होता है ऑप्शन एप्शन ए कैल्शियम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी पोटेशियम ऑप्शन डी सोडियम सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कैल्शियम ऑप्शन ए सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेनफुल म्यूचूरेशन इज सो पेनफुल मिच्यशन मतलब जब आप यूरिनेशन कर रहे हो तब आपको जब अगर पेन हो उसको क्या कहते हैं सो ऑप्शन एनसिस ऑप्शन बी डा ऑप्शन सी रिटेशन ऑफ यूरिन एंड ऑप्शन डी डायरिया सो इसका जो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है डायरिया तो नहीं होगा रिटेंशन ऑफ यूरिन भी नहीं होगा एन्यूरेसिस एंड डायरेसिस एन्यूरेसिस मतलब बेड बेटिंग जो चाइल्ड करते हैं चिल्ड्रेंस की कंडीशन में एन्यूरेसिस होता है जो उसको सो so, इसका सही जवाब होगा डायरेसिस वन एम एल कंटेज डैश डैश अमाउंट ऑफ ड्रॉप जब हम फ्लूड थेरेपी क्या फ्लूड थेरेपी दे रहे होते हैं पेशेंट को आईवी वी फ्लूड लगाते हैं वो टाइम पे ये बहुत मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कैलकुलेशंस में आसानी होती है इसका जो ऑप्शंस है वो वन एम एल कंटेंस फाइव ड्रॉप्स वन एम एल कंटें टेन ड्रॉप्स फिफ्टीन ड्रॉप्स एंड ट्वेंटी ड्रॉप्स सो इसका सो so इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी ट्वेंटी ड्रॉप्स ट्वेंटी ड्रॉप्स कंटेन वन एम एल सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश इज अ वाटर सोल्युबल विटामिन सो ये तो सभी को पता ही होना चाहिए सो so इसका जवाब अब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि uh, ये बहुत uh, बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें ये सवाल पूछा गया है कि कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं कौन से फ़ैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं सो प्लीज़ इसका जवाब मैं मैं इस वीडियो में नहीं देने वाला इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है ऑप्शन ए ऑप्शन के ऑप्शन बी ऑप्शन डी सो आप मुझे बता दीजिए कि सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्यूनिटी डाइजेस्ट इज द इम्यूनिटी गेट बाय द बॉडी आफ्टर द फर्स्ट अटैक ऑफ डिसीज मतलब जो इम्यूनिटी होती है वो फर्स्ट अटैक के बाद जो बॉडी को मिलती है उस उस इम्यूनिटी का क्या कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एंड एक्वाड इम्यूनिटी सो पहले हमें इम्यूनिटी के जो टाइप्स है इम्यूनिटी के जो टाइप्स है वो पता होने चाहिए इम्यूनिटी इम्यूनिटी uh, जो फर्स्टली डिवाइड होती है इननेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी इननेट इम्यूनिटी मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ आप में जो इम्यूनिटी होती है उसे इननेट मतलब आप जल आप, 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 आप बर्थ बर्थ के साथ ही आपके साथ वो इम्यूनिटी होती है उसको नेट इम्यूनिटी कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी मतलब आप बाहर से थ्रू थ्रू वैक्सीनेशंस या न, जो भी uh, न, जो भी मदर का फोर मिल्क होता है उससे जो आपको जो इम्यूनिटी मिलती है उसको अडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं उसके बाद उसमें भी दो तरह की इम्यूनिटीज़ होती है जैसे मैंने आपको बताया एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल नेचुरल मतलब क्या जो मदर की मदर से आपको मिल्क मिलता है मिल्क में जो इंपॉर्टेंट uh, कंटेंट होता है जिससे आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है आर्टिफिशियल मतलब जैसे कि हमने बी सी जी वैक्सीन हो गए या एम वैक्सीन हो गए देन पेंटा हेपेटाइटिस बी देन आपको ये जो आप ये जो सवाल पूछा गया है इसमें कौन सी इम्यूनिटी है जो फर्स्ट अटैक के बाद डिसीज़ होने के बाद आपको मिलता है उसको कहते हैं एक्वाइड इम्यूनिटी मतलब डिसीज़ होने के बाद आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी रिस्पांस क्रिएट किया और उसको बॉडी ने याद रखा तो उसको कहेंगे इम्यूनिटी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फंट इन्फेंसी पीरियड इज़ फ्रॉम बर्थ टू वन मंथ वन मंथ टू वन ईयर वन ईयर टू थ्री ईयर्स एंड थ्री ईयर टू फाइव ईयर्स सो जो इनफंट इनफंट का पीरियड होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे पूछा गया है सो so, यहाँ पे जो स्टेजेस दिए गए हुए हैं उसमें थ्री टू फाइव ईयर्स जो है थ्री टू फाइव ईयर्स यहाँ पे है उसको थ्री टू फाइव ईयर्स के ड्यूरेशन को हम प्री स्कूलर कंसिडर करते हैं uh, मतलब थ्री टू फाइव ईयर्स का अगर बच्चा है तो उसको प्री स्कूलर कहेंगे वन टू थ्री ईयर्स का है तो उसको uh, हम टॉडलर टॉडलर uh, कहेंगे और जो वन टू वन मन टू वन ईयर का है उसको हम इनफंड कहेंगे और uh, one, उस, वन एट बर्थ टू वन मंथ जो होगा उसको हम न्यू बॉर्न कंसिडर करेंगे सो so, इसका जो सही जवाब होगा वो वन मंथ टू वन ईयर होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ टंग फर्स्ट इज ग्लोसाइटिस जिंजवाइटिस टोमाइटिस और प्रोटाइटिस सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ग्लोसाइटिस जिस इंफ्लामेशन ऑफ टंग को ग्लोसाइटिस के नाम से भी कंसिडर किया जा सकता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज सो ऑप्शन ए फोर कैलोरीज ऑप्शन बी एट कैलोरीज ऑप्शन सी नाइन कैलोरीज ऑप्शन डी वन कैलोरीज सो वन कैलोरीज तो गलत जवाब है नाइन कैलोरीज जो वन ग्राम ऑफ फैट को हम वन ग्राम ऑफ फैट कैन कंसिडर इन टू नाइन किलो कैलरी नाइन कैलोरीज एट कैलोरीज भी नहीं है इसका जो सही जवाब होगा वो होगा फोर कैलोरीज वन ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट वन ग्राम ऑफ प्रोटीन इज़ कंसिडर्ड एज अ फोर कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी फोर कैलोरीज ही कन्वर्ट कर सकते अगर कार्बोहाइड्रेट को हमने कैलोरीज में कन्वर्ट किया तो फोर कैलोरीज होंगी और प्रोटीन को भी कन्वर्ट किया तो फोर कैलोरीज होंगी बट अगर हमने फैट को कैलोरीज uh, में कन्वर्ट किया तो उसको फोर नाइन कैलोरीज कन्सिडर किया जाएगा सो so, अगर आपको ये वीडियो अच्छा अच्छा लगा होता चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था विटा वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है उसका जो जवाब है मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दे देना अगर ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तब तक के लिए थैंक यू